हे गाइज, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अभी भी आपके फ़ोन में हो सकता है चाइनीज़ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में और उसके बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड है और वो चाइना का एप्लीकेशन और आपको मालूम भी नहीं है, तो इसी बारे में आपको बात करने वाला हूं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, उसके डाउनलोडिंग भी हो रहा है और वो चाइनीज़ है कि नहीं, वो सब मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि टिकटॉक हमारे इंडिया से बैन क्यों हुआ है। मतलब ये भी एक ज़रूरी है, टिकटॉक को हमारे इंडिया से इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वो एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है और हमारे डेटा के साथ वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, किसको देने वाला है, कुछ भरोसा नहीं है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया है इंडिया से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग टिकटॉक से नफरत भी करते हैं और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि उस पर इतने अच्छे कंटेंट भी नहीं आते थे। मतलब ऐसा नहीं कि सारे लोग बेकार कंटेंट डालते थे, कुछ लोग बहुत अच्छा कंटेंट डालते थे, लेकिन वहाँ पर बहुत मतलब अच्छे कंटेंट डालने वाले की यहाँ पर संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी और बेकार कंटेंट डालने वालों की संख्या भाई यहाँ पे बड़ी हुई थी, पूरी तादाद में भरे हुए थे बेकार कंटेंट डालने वाले लोग। चलो ये सब बात छोड़ो, मैं आपको अब ये दिखाता हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जो चाइनीज़ का है और आप उसको यूज भी कर रहे हो। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप यूज ही कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन अवेलेबल है और वो टॉप 1 ट्रेंडिंग डाउनलोडिंग पे चल रहा है भाई, उसके इतने ज़्यादा तेज़ी से डाउनलोडिंग हो रहा है और किसी को खबर भी नहीं कि वो मतलब ऐप कैसा है, चाइना का है कि नहीं है, ये कोई नहीं जानता। मतलब कोई पता नहीं करता कि भाई ये ऐप कौन सा है, कहाँ का है, इसके बारे में कोई नहीं पता करता, बस डाउनलोड पर डाउनलोड करो और यूज करो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये वाला जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो स्नैक वीडियो, ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है। मैं आपको साबित करके दिखाऊँगा पूरा प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरा प्रूफ, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इवन मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ आप लोगों को प्रूफ ही करने के लिए, उसके बाद मैं इसको तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दूंगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज से अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आज से 2-3 साल पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था केवाई ऐप, जो कि बैन हो गया है, जो हमारे इंडिया से 59 एप्लीकेशन बैन हो गए हैं, उनमें से एक केवाई ऐप भी था जो कि हमारे इंडिया से बैन हो गए। लेकिन अब केवाई ऐप ने क्या करा मालूम है, उसने अपने केवाई ऐप का नेम चेंज कर दिया और थोड़ा सा वहाँ पर चेंजेस करके कुछ उसमें बदलाव करके उसका नाम रख दिए स्नैक वीडियो और फिर से वहाँ पर उसको ट्रेंड कर रहे हैं। मतलब वही सेम प्रोसेस, सब कुछ वही है, लेकिन बस यहाँ पे नेम चेंज हो गया है QI ऐप से, यहाँ पर हो गया है स्नैक वीडियो। मैं आपको इसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है, जब मैं इसको ओपन करूँगा तब आप खुद समझ जाओगे कि ये QI ऐप है या फिर स्नैक वीडियो है, पूरा प्रूफ के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं QI ऐप यूज कर चुका हूँ, मतलब 5-6 दिन मैंने यूज करा था, उसके बाद मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था। तो जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आज से 3 साल पहले मैं QI एप्लीकेशन यूज किया था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नंबर QI ऐप में रजिस्टर्ड था। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्नैक वीडियो ओपन करा, वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन का बटन, ये जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, चलो हम प्रोफाइल पे चलते हैं और मैं इसको अपने नंबर से लॉगिन करता हूँ, अपने मोबाइल नंबर से। तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने जाऊँगा, चलो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद OTP आएगा, OTP आने के बाद ये यहाँ पर सिंपली लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे क्या आ रहा है भाई, मतलब ये क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देखो अभी ये प्रोसेसिंग ले रहा है थोड़ा सा और ये लॉगिन हो गया, और यहाँ पे आपको पॉपअप क्या देखने को मिल रहा है भाई, मतलब है क्या ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है योर QI अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन ड्यू टू अनविजुअल एक्टिविटी। मतलब मैंने बहुत दिन से यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हूँ, 3 साल हो गए मेरे को QI एप्लीकेशन यूज किए हुए, इसीलिए यहाँ पे मेरा QI अकाउंट फ्रीज हो गया और मेरा स्नैक वीडियो ये जो एप्लीकेशन मैंने इसमें लॉगिन किया तो इसमें ये वाला पॉपअप आ रहा है कि आपका QI अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। मतलब प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं स्नैक वीडियो में अपना नंबर लॉगिन कर रहा हूँ तो ये QI अकाउंट मेरा फ्रीज बता रहा है, और यहाँ पे सबमिट फीडबैक का ऑप्शन दे रहे हैं, इससे 100% क्लियर हो जाता है कि ये स्नैक वीडियो नहीं QI एप्लीकेशन है, 100% ये QI एप्लीकेशन है। अगर ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो भाई आप अभी इसको अनइंस्टॉल करो और इस पर जाकर रिपोर्ट करो प्ले स्टोर पर, मैं भी इस पर रिपोर्ट कर चुका हूँ, तो भाई लोग इस पर रिपोर्ट करो। तब तक मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।